हाय दोस्तों, तो Realme X7 Pro का स्वागत हम ऑलरेडी कर चुके हैं देश में। आज बारी आ गई है इसके छोटे भाई की, तो करेंगे इसका पूरा बैटरी ड्रेन टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट, गेमिंग, हीटिंग, सब चीज पता कर लेंगे। साथ में ले लिया है इसके सबसे क्लोजेस्ट कंपटीशन को। देखो Galaxy M51 मैं यहाँ पे आज नहीं यूज कर रहा हूँ भाई, वो फोन बहुत टाइम लेता है ड्रेन होने में, पर उसका आप मान सकते हो भैया वो 10 घंटे 12 घंटे चल जाएगा आराम से नॉन स्टॉप भी। इन फोन्स के बारे में आज बात करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सारे फोन्स यहाँ पे 100% चार्ज्ड हैं, सारे फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, सारे फोन्स पे मैंने एयरप्लेन मोड ऑन किया हुआ है। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट है सारे फोन्स पे इंस्टॉल्ड है, सारे फोन्स पे स्क्रीन ब्राइटनेस मैंने फुल पे करी हुई है, स्पीकर वॉल्यूम हम फुल पे रखेंगे। अब दोनों शाओमी भाई बंधुओं पे यहाँ पे हमें LCD स्क्रीन मिलती है, रियलमी के दोनों फोन्स पे हमें AMOLED डिस्प्ले मिलती है। इसके अलावा इन दोनों फोन्स पे हमें हाई रिफ्रेश रेट की स्क्रीन भी मिलती है, तो वो भी मैंने अभी ऑन करके रखी हुई है। वैसे अगर आपको इनका 60Hz वाला बैटरी टेस्ट देखना है वो भी मैंने अलग से किया हुआ है, वो आप यहाँ पे देख लेना। अब बैटरी साइज की बात करते हैं, तो सबसे छोटी बैटरी है यहाँ पे Realme X7 के पास, सबसे बड़ी बैटरी है Poco X3 के पास। टेस्ट का फॉर्मेट आपको पता ही है, सबसे पहले करेंगे 2 घंटे का वीडियो प्लेबैक टेस्ट YouTube से। इस कोने में आपको दिखता रहेगा कि हर राउंड में हम किस किस चीज पे स्ट्रेस डाल रहे हैं। अब एक्चुअल स्क्रीन क्वालिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे काफी सिंपल चीज है। देखो Realme X7, Realme 7 Pro पे एकदम सेम स्क्रीन है, और Mi 10 है Poco X3 पे एकदम सेम स्क्रीन है। अब ऑब्वियसली दोनों Realme फोन्स के पास AMOLED स्क्रीन है, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में थोड़ा ज्यादा इनको बेनिफिट मिल जाता है, थोड़ा ज्यादा पंची लगते हैं Realme के कलर्स, और वही थोड़ा व्यूइंग एंगल्स में भी आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि Mi 10 आए और Poco X3 की स्क्रीन अच्छी नहीं है, स्क्रीन यहाँ पे भी डेफिनेटली काफी अच्छी है। और इनका जो एक्चुअल एडवांटेज है वो है हाई रिफ्रेश रेट का, तो जो हमारा नॉर्मल यूजेज होता है फोन का उसमें ये ज्यादा स्मूथ लगते हैं। तो वीडियो प्लेबैक के 2 घंटे खत्म हो गए हैं, परसेंटेज में सारे फोन काफी आसपास हैं 80 के आसपास, लेकिन इनकी एक्चुअल बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से कितना mAh ये लूज कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखा दिखता रहेगा। स्पीकर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो Realme X7 अकेला फोन है जिसमें आपको स्टीरियो स्पीकर सेटअप नहीं मिलता है, पर फिर भी एक्चुअल जो स्पीकर क्वालिटी है यहाँ पे Realme 7 Pro से थोड़ी बेटर ही लग रही है मुझे, थोड़ा ज्यादा वो बेस वाली फीलिंग है। Realme 7 Pro में स्टीरियो स्पीकर तो है बट आवाज बहुत पतली आती है, पर आई थिंक बेस्ट स्पीकर परफॉर्मेंस आपको Poco X3 और Mi 10 Ai से मिल रही है। फिर टाइम आ गया है परफॉर्मेंस टेस्टिंग स्टार्ट करने का, तो सबसे पहले Geekbench से थोड़ी स्ट्रेचिंग करवा लेते हैं इनकी। अब यहाँ पे काफी अलग अलग प्रोसेसर्स हैं, Realme 7 Pro पे है Snapdragon 720G, Poco X3 पे 732G है जो इसका एक ओवरक्लॉक्ड वर्जन आप मान सकते हो, Mi 10 Ai पे है Snapdragon 750G जो एकदम ब्रांड न्यू प्रोसेसर है, और Realme X7 पे है MediaTek Dimensity 800U, पहली बार ये इंडिया में आया है। अब Dimensity 800U का 720G इन सारे प्रोसेसर्स के साथ अलग से एक परफॉर्मेंस टेस्ट मैंने किया था, वो आप जरूर चेक कर लेना। तो Geekbench का पहला राउंड खत्म हो गया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोर कर दिया है Mi 10 Ai ने, सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों में ये Dimensity 800U से आगे है। लेकिन Dimensity 800U का आप देखोगे कि जो 732G है और 720G है उनके स्कोर से ज्यादा इसने स्कोर किया है। इसी टेस्ट को 2 बार और रन करके देखेंगे कुछ ड्रॉप दिखता है या नहीं परफॉर्मेंस में। Geekbench का तीसरा राउंड यहाँ पे खत्म हो गया है और ऐसा कुछ ड्रॉप मुझे इसकी परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिला है। Dimensity 800U में भी टेस्ट खत्म हो गया है और यहाँ पे भी 3 राउंड के स्कोर काफी कंसिस्टेंट हैं। और बाकी दोनों फोन ने भी साथ साथ टेस्ट खत्म कर लिया है और यहाँ पे भी मतलब कंसिस्टेंट से ही है स्कोर, कुछ भी ऐसा ड्रॉप मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। खैर ये तो हो गई Geekbench CPU टेस्टिंग, अब थोड़ी हैवी टेस्टिंग पे आ जाते हैं, तो Antutu खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे CPU टेम्परेचर्स पे नजर डाल लेते हैं एक बार, तो सारे CPU आप देखोगे 40 डिग्रीज के अराउंड है यहाँ पे। तो Antutu का पहला राउंड खत्म हो गया है, यहाँ पे Realme X7 ने Mi 10 Ai को भी पीछे छोड़ दिया है, और सबसे कम यहाँ पे ओवरऑल स्कोर किया है Poco X3 ने। अब Mi 10 Ai और Realme X7 के अगर आप इंडिविजुअल स्कोर्स पे नजर डालोगे तो आप देखोगे CPU स्कोर यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन जो GPU स्कोर है उसमें Realme X7 आगे निकल जाता है। फिर ये नंबर्स हमने याद कर लिए हैं, ये टेस्ट भी 2 बार और रिपीट करके देखते हैं कितना ड्रॉप आएगा।
तो एंटूटू का तीसरा राउंड खत्म हो गया है, जल्दी से सीपीयू टेम्परेचर पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे 48-45 तक मैक्सिमम मुझे दिखाया। मी 10i पे सीपीयू टेम्परेचर भी 43 के अराउंड है। रियलमी X7 प्रो पे है 49 दिख रहा था, 46-45 तक आ गया है अब। और फाइनली पोको X3 और यहाँ पे सीपीयू टेम्परेचर भी 42 के अराउंड है। तो टेम्परेचर सारे फोन्स ने यहाँ पे अच्छा हैंडल किया है सीपीयू का, और स्कोर्स में भी आप देख रहे हो ज़्यादा फर्क नहीं है। Realme X7 अभी भी सबसे आगे है, Poco X3 अभी भी सबसे पीछे है। अब बेंचमार्क्स खत्म करने से पहले एक स्टोरेज टेस्ट आपको मैं और करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सबसे ज्यादा स्कोर कर दिया है Realme X7 ने, और Mi 10i उसके पीछे पीछे ही है। पर आप देखोगे जो सीक्वेंस रीड स्पीड, सीक्वेंस राइट स्पीड्स हैं, उसमें ये दोनों फोन्स ऑलमोस्ट डबल लेवल पे हैं Realme 7 Pro और Poco X3 के। खैर बेंचमार्क राउंड के बाद ये है फाइनल परसेंटेज। Realme 7 Pro अब सबसे आगे निकल गया है और Mi 10i सबसे ज्यादा पीछे चल रहा है। अब गेमिंग शुरू करने से पहले जल्दी से आपको एक बार कॉल ऑफ ड्यूटी ग्राफिक्स सेटिंग्स में दिखाना चाहता हूं। तो यहां पे तीनों स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स वाले फोन पे आपको वेरी हाई ग्राफिक्स के साथ वेरी हाई फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको 60fps पे खेलना है तो आप हाई ग्राफिक्स पे खेल सकते हो। लेकिन Realme X7 के साथ अभी कुछ इशू है, यहाँ पे आपको सिर्फ मीडियम ग्राफिक्स का ऑप्शन मिलता है, सिर्फ 30fps का आपको मैक्सिमम ऑप्शन मिलता है, और ये मेरे हिसाब से गेम का ऑप्टिमाइजेशन सही से नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक ऐसे ग्राफिक्स ऑप्शन मिल रहे हैं। अब ये कब तक सही होगा ये मुझे अभी तक नहीं पता है, पर आप मान सकते हो कि जैसे पबजी जैसे गेम में भी 60fps ये स्मूथ ग्राफिक्स पे तो डेफिनेटली सपोर्ट करता ही होगा। खैर तो इतने कम ग्राफिक्स पे COD खेलने का तो फायदा है नहीं, यहाँ पे मैं एशफॉल चला लेता हूँ। तो गेमिंग का एक घंटा पूरा होने वाला है, एक बार टेम्परेचर्स ले लेते हैं फोन के। रूम टेम्परेचर इस टाइम 23 डिग्रीज के अराउंड है। पोको X2 पे मैक्सिमम चल रहा है 38 के जस्ट नीचे, Mi 10i पे भी 38 के आसपास है, Realme X7 थोड़ा सा ठंडा है 34 के पास है, और Realme 7 Pro भी 36 के अराउंड दिखा रहा है मुझे। हाथ से छूने में Realme X7 और Realme 7 Pro तो बहुत ज्यादा ठंडे लग रहे हैं, और आई थिंक सबसे ज्यादा गर्म जो मुझे पता चल रहा है Mi 10i ही पता चल रहा है। पर इसमें भी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा हीटिंग नहीं हो रही है भाई, अभी सर्दी का मौसम है, अब गर्मी आएंगी तब पता चलेगा असली हीटिंग। तो खैर गेमिंग के बाद ये हैं बैटरी परसेंटेजेस, और यार ये दोनों LCD स्क्रीन वाले फोन्स को नुकसान हो रहा है क्योंकि हाई रिफ्रेश रेट पे चल रही है उनकी स्क्रीन्स। और इसी के साथ आ गए हैं हमारे लास्ट हैवी राउंड पे जिसमें कैमरा यूजेज करेंगे हम। सारे फोन्स में आप रियर कैमरा से 4K 30fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, यही रिकॉर्ड करेंगे फिर। वीडियो रिकॉर्डिंग का भी आधा घंटा होने वाला है, ये भी काफ़ी हैवी टेस्ट होता है, और सारे फोन्स मतलब गर्म पता चल रहे हैं। पर सरप्राइजिंगली Realme X7 यहाँ पे सबसे कम गर्म लग रहा है, और सबसे ज़्यादा गर्म है Poco X3 और Realme 7 Pro। खैर 4.5 घंटे बाद ये हैं बैटरी स्टैंडिंग्स, तो अभी भी दोनों Realme फोन साथ में चल रहे हैं, Mi 10i सबसे पीछे चला गया है। और यहाँ पे आप CPU टेम्परेचर देख सकते हो, तो सबसे ज़्यादा गर्म हो गया है Realme 7 Pro का 720G, और सबसे ठंडा चल रहा है Mi 10i का 750G। खैर काफ़ी तड़पा लिया है इन फोन्स को, अब वक्त आ गया है थोड़ी से लाइट राउंड्स का। तो सोशल मीडिया यूजेज करेंगे जहाँ पे अपना नॉर्मल स्क्रोलिंग होगी, स्पीकर वगैरह बंद रखूँगा। तो सोशल मीडिया के 2 घंटे खत्म हो गए हैं, टेस्ट को 6.5 घंटे हो चुके हैं। रियलमी के दोनों फोन ने अच्छी खासी लीड यहाँ पे बना ली है। खैर सारे राउंड्स हम एक एक बार कर चुके हैं, तो अब सारे राउंड्स ही हमें रिपीट करने होंगे। और फाइनली जाके Realme X7 भी डेड हो गया है। कुछ अनोखा ही कर दिया है आज इसने, मुझे नहीं लगता इतनी छोटी बैटरी वाला फोन इतना लंबा टिका है आज तक। खैर ये है फाइनल बैटरी ड्रेन रिजल्ट्स, और यहाँ पे देखो Realme के फोन्स के पास क्लियर एडवांटेज था। एक तो AMOLED स्क्रीन थी जो वैसे ही थोड़ी कम बैटरी लूज करती है, ऊपर से सिर्फ 60Hz की स्क्रीन है। तो आप देखोगे जो एवरेज बैटरी ड्रेन था इनका कि हर मिनट ये कितना एमएच लूज कर रहे थे, उसमें ये बहुत बेटर है बाकी दोनों फोन से। अब इसके अलावा आप देख सकते हो जो बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मेंस थी इन फोन्स की, तो सारे
फोन्स ने सबसे ज्यादा बैटरी लूज करी है कैमरा राउंड में, और सबसे कम बैटरी लूज करी रियलमी के फोन्स ने सोशल मीडिया राउंड में, Xiaomi के फोन्स ने यूट्यूब वाले राउंड में। इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में भी आप देखोगे कि कितना तेज बैटरी लूज कर रहे थे दोनों एलसीडी स्क्रीन वाले फोन्स। अब पोको X3 और Mi 10i दोनों में 120 हर्ट्ज की एलसीडी है, तब भी Mi 10i ने थोड़ा कम स्पीड से बैटरी क्यों लूज करी, क्योंकि यहाँ पे हमें अडैप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो मतलब अलग अलग यूजेज के हिसाब से थोड़ा बहुत रिफ्रेश रेट ऊपर नीचे कर लेती है स्क्रीन का, तो इस वजह से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा खींच पाता है बैटरी को। पोको X3 पूरे टाइम 120 हर्ट्ज पे रहता है, इसलिए काफी जल्दी इसका ड्रेन होता है। तो ये हो गया बैटरी ड्रेन टेस्ट। अब चार्जिंग पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे पोको X3 Mi 10i पे सेम 33 वॉट की चार्जिंग मिलती है, Realme 7 Pro पे हमें 65 वॉट की चार्जिंग मिलती है, और Realme X7 पे मिलती है 50 वॉट की चार्जिंग। अब मुझे 50 वॉट सुनके सबसे पहले लगा था कि ये शायद Realme X2 Pro में जो हमें मिली थी सेम चार्जिंग टेक्नोलॉजी होगी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें बॉक्स में जो चार्जर मिलता है वो ये 65 वॉट वाला ही चार्जर है, जो हमें Realme 7 Pro और Realme के बाकी सारे फोन्स पे भी मिलता है। 65 वॉट चार्जर से भी ये फोन सिर्फ 50 वॉट की चार्जिंग स्पीड से ही चार्ज होता है। अब देखेंगे, इस बार मैं भी पहली बार चार्ज कर रहा हूँ, देखते हैं क्या टाइम मिलेगा यहाँ पे। तो आज तो सिर्फ दो ही चार्जिंग थाली की हमें जरूरत पड़ेगी, तो टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। अभी चार्जिंग के 7 मिनट ही हुए थे, Realme X7 पे एकदम से एक वार्निंग आई फोन टू हॉट की। यहाँ पे मैंने एंटूटू खोल लिया है बैटरी टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो Realme X7 की बैटरी 45 डिग्री के अराउंड थी, बाकी सारे फोन 35 के अराउंड हैं, और CPU टेम्परेचर भी अब देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कुछ एकदम से स्पाइक आया, 50 के टच कर रहा है। ये दोनों फोन 29-28 पे है नॉर्मल, ऑब्वियसली Realme 7 Pro भी थोड़ा गर्म है भाई, फास्ट चार्जिंग से थोड़ी तो एक्स्ट्रा हीटिंग होती ही है। हालांकि हाथ से पकड़ने में ऐसा ज्यादा गर्म फील नहीं हो रहा है, वही हल्का सा बस थोड़ी सी गर्मी लग रही है जो नॉर्मल चार्जिंग में भी हो ही जाती है फोन्स को, पर डेफिनेटली बाकी सारे फोन्स इससे ज्यादा ठंडे लग रहे हैं मुझे। फोन का टेम्परेचर इस टाइम 36 डिग्रीज के अराउंड बता रहा है, बाकी Realme 7 Pro है 31-32 के अराउंड, Mi 10i 30 पे है, पोको X3 भी 32 पे है। चार्जिंग के 15 मिनट पूरे हो गए हैं, Realme 7 Pro सबसे आगे है 54% पे, Realme X7 45% पे है, ये भी काफ़ी अच्छी चार्जिंग स्पीड है 15 मिनट के हिसाब से। सबसे पीछे ऑब्वियसली Poco X3 है, पर यहाँ पे बैटरी भी सबसे बड़ी है, इनके एक्चुअल बैटरी साइज के हिसाब से कितना mAh ये हर मिनट चार्ज कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखता रहेगा। तो चार्जिंग का आधा घंटा पूरा हो गया है, Realme 7 Pro 90s में है, Realme X7 76% चार्ज हुआ है, तो डेफिनेटली ये Realme X2 Pro वाली स्पीड से तो नहीं चार्ज हो रहा है, वो फोन तो भाई 28-29 मिनट्स में फुल हो जाता था। और अगर आप भी मेरी तरह उस फोन को मिस कर रहे हो, तो उसका मैंने बहुत रिसेंटली एक चार्जिंग टेस्ट किया था, वो जरूर देख लेना। चार्जिंग का एक घंटा पूरा हो गया है, Mi 10i कभी भी 100 टच हो सकता है। और फाइनली Poco X3 भी फुल चार्ज हो गया है, तो ये है फाइनल बैटरी चार्जिंग रिजल्ट्स। और आज फिर से मतलब Realme 7 Pro तो एकदम अलग ही लेवल पे है, Poco X3 काफी ज्यादा पीछे रह गया है कॉम्पिटिशन से। Mi 10i में ठीक ठाक चार्जिंग स्पीड आपको मिल रही है, एक घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, और Realme X7 ने 52 मिनट्स लिए हैं टोटल चार्ज होने में, पर पहले 15 मिनट में ये 45% चार्ज हो जाता है। तो आई थिंक इसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी वैसे ही ट्यून करी है Realme ने, कि पहला 15 मिनट बहुत तेज चार्ज होता है, उसके बाद स्पीड ड्रॉप कर लेता है, इसीलिए वो शुरू के 15 मिनट में हमें थोड़ी हीटिंग भी देखने को मिल रही थी। वैसे वो जो हीटिंग थी वो 15 मिनट के बाद अपने आप धीरे धीरे खत्म हो गई थी पूरी। पर ओवरऑल देखो चार्जिंग स्पीड ये भी बुरी नहीं है वैसे, बट काफी अच्छा हो जाता अगर यहाँ पे सीधा 65 वॉट चार्जिंग का ही हमें सपोर्ट मिल जाता। पर ये चीज मैंने Realme से पूछी थी, उन्होंने कहा था भाई थोड़ा प्रोसेसर का भी लिमिटेशन यहाँ पे होता है, तो शायद Dimensity प्रोसेसर जो है वो 65 वॉट चार्जिंग एक साथ हैंडल नहीं कर पाता है। तो ओवरऑल बैटरी रिजल्ट्स की बात करते हैं, सबसे पीछे आएगा पोको X3, जिसमें एक दिन की बैटरी लाइफ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आप 6000 mAh से जो सोचोगे कि भाई डेढ़ दिन दो दिन चलेगा फोन,
वैसा यहाँ पे नहीं है। और चार्जिंग स्पीड में भी क्लियरली अभी ये काफी पीछे रह गया है अपने कॉम्पिटिशन से। मीटर नहीं में बैटरी काफी छोटी है, लेकिन फिर भी बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट बराबर की दे देता है अपनी अडेप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी की वजह से। और एटलीस्ट चार्ज ही एक घंटे के अंदर पूरा हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि जो परफॉर्मेंस है एक्चुअली यहाँ पे स्नैपड्रैगन 750G की बहुत शानदार है। रियलमी 7 प्रो काफी टाइम से मेरा फेवरेट बना हुआ था अंडर 20,000। भाई जबरदस्त बैटरी लाइफ ये देता है, बैटरी चार्जिंग में तो ये चैंपियन है ही। लेकिन एक चीज अब नोटिस होने लगी है कि जो स्नैपड्रैगन 720G की परफॉर्मेंस है थोड़ी सी वो पीछे रह गई है, क्योंकि बाकी इतने तगड़े तगड़े फोन हमें आ गए हैं सेम प्राइस में। और रियलमी X7 ने आज काफी सरप्राइज किया भाई, बहुत लंबा टिक गया फोन, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था ये। और जो मेरे कुछ डाउट थे मीडियाटेक प्रोसेसर्स के बारे में कि भाई हीटिंग हो जाएगी या बैटरी ड्रेन जल्दी होगा, वो सारे डाउट्स आज इसने क्लियर कर दिए हैं। चार्जिंग में यहाँ हमने देखा था शुरू का 15 मिनट थोड़ा ज्यादा हीट हो रहा था ये, बट ओवरऑल फिर वो ठंडा हो गया था। आई थिंक पहले 15 मिनट ही ज्यादा तेज चार्ज होता है, उसके बाद धीरे धीरे स्लो हो जाता है। खैर आप मुझे बताओ कि आप ये 60Hz AMOLED के साथ इतनी ज्यादा बैटरी लाइफ से खुश हो, या फिर थोड़ी कम बैटरी लाइफ लेके आप 90Hz AMOLED देखना चाहते थे इस फोन पे, नीचे कमेंट कर दो, मेरे ट्विटर पे आके मुझसे बात करो। पर अभी खैर इस वीडियो के लिए इतना ही, और क्या कॉन्टेंट देखना है आपको रियलमी X7 पे, फुल कंपेरिजन कौन से फोन से लेके आऊँ फटाफट मुझे बता दो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Thank you.